हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोल लो टॉपिक बोल लो, मतलब मैं आपको रिएक्शन समझाने वाला हूं बच्चों, ताकि वो आप अपने क्वेश्चन जो एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें लगा सको। तो कम से कम समय में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जो रिएक्शन है वो ये है, सबसे पहली जो रिएक्शन है वो ये है कि आपके पास Fe है, Fe को आयरन बोलते हो, पता है ना, Fe को आयरन बोलते हो। तो आपके पास आयरन है और आयरन की रिएक्शन आप बच्चों स्टीम से करा रहे हो, अभी किससे करा रहे हो, स्टीम से करा रहे हो। तो H2O के बगल में G लिखना पड़ेगा क्योंकि आप आयरन की रिएक्शन स्टीम से करा रहे हो। तो बच्चों जब भी आप आयरन की रिएक्शन स्टीम से कराओगे, जब भी आप आयरन की रिएक्शन स्टीम से कराओगे, तो आयरन अपनी Fe2 पॉजिटिव वैलेंसी रखता है एक तो, और एक रखता है Fe3 प्लस वैलेंसी। तो जब आयरन गर्म होना शुरू हो जाता है, किसी भी वजह से गर्म होना शुरू हो जाता है, तो अपने नॉर्मल स्टेट में तो 2 पॉजिटिव वैलेंसी दिखाता है, लेकिन जब गर्म होना शुरू हो जाता है तो अपनी गर्मी वाली स्टेट में कौन सी वैलेंसी दिखाता है, +3 वैलेंसी। तो बच्चों इस समय आपका +3 वैलेंसी दिखाकर उसको बोलते हैं फेरिक, और +2 वैलेंसी दिखाकर उसको बोलेंगे फेरस, ठीक है। तो +2 का मतलब होता है फेरस और इसका मतलब होता है फेरिक, फेरिक। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, तो इसका जो कलर होता है ग्रीन, इसका कलर होता है बच्चों ब्राउन। कलर याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको कलर भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना। तो अब मुझे इन दोनों में से बता दो, ये कंडीशन गर्म में यूज होता है, ये ऐसी नॉर्मल स्टेट में यूज हो जाता है। तो आप बताओ कंडीशन गर्म होने वाली है कि ठंडी होने वाली है, देखकर बताओ कंडीशन गर्म कि ठंडी। तो आपका जवाब होगा कंडीशन बहुत गर्म होने वाली है, गर्माहट होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ये है आयरन, वो थ्री पॉजिटिव वैलेंसी शो करेगा और आपका बना लेगा Fe3O4 बना लेगा बच्चों। क्या बना लेगा? Fe3O4। Fe3O4 का बच्चों नाम होता है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बनाएगा बच्चों ये आपका, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज। सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्यों नाम रखा, मैं बताता हूं उसके पीछे का रीजन आपको। क्योंकि बच्चों Fe3O4 जो है उसको आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हो FeO और Fe2O3, Fe2O3। FeO में वैलेंसी +2 शो हो रही है, Fe इसमें +3 शो हो रही है, ठीक है। तो +2 के लिए मैंने सेकंड शब्द इस्तेमाल करा रोमन नंबर में, और 3 के लिए क्या यूज करा रोमन नंबर में, थर्ड यूज करा। तो Fe3O4 इज द मिक्सचर ऑफ फेरस एंड फेरिक, दोनों का मिक्सचर होता है, फेरस का भी होता है, फेरिक का भी होता है। फेरस का मतलब +2 वैलेंसी, फेरिक का मतलब +3 वैलेंसी। तभी नाम क्या पड़ेगा, आयरन थर्ड, आयरन सेकंड थर्ड, और साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ऑक्साइड। तो मुझे लगता है कि आपको नाम क्लियर हो गया होगा कि नाम कैसा आता है। अब बच्चों से क्वेश्चन सुनो कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो क्वेश्चन बच्चों इसका ये आता है कि आयरन में अगर हॉट स्टीम पास करेंगे या स्टीम पास करेंगे तो क्या होगा। तो आपको बच्चों ये रिएक्शन लिखनी पड़ती है। तो क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन करो कि व्हाट हैपन व्हेन इफ स्टीम पास थ्रू इन आयरन, हॉट स्टीम पास थ्रू इन आयरन। स्टीम तो हॉट ही होती है, स्टीम भी बोल दोगे तब भी चल जाएगा, और आपका बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों इस तरीके से CBSE के पेपर में क्वेश्चन आते हैं और बड़े ही घुमा फिरा के आते हैं। तो मुझे लगता है आपको पहली रिएक्शन हो गई अच्छे से याद, ध्यान समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे आपकी दूसरी रिएक्शन में। तो मैं मिटा देता हूं इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो बच्चों बढ़ते हैं आपकी दूसरी रिएक्शन में। दूसरी रिएक्शन जो है बच्चों इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है FeSO4। FeSO4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है इससे। तो FeSO4 इसको बच्चों बोलेंगे फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी अपनी Fe2 पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहा है, जो कि ग्रीन कलर देता है, जो कि कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है अभी तो फिलहाल, ठीक है। तो Fe2SO4 को जब आप तोड़ते हो तो बच्चों ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी होती है, इसको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि हीट से टूट रहा है। तो ये बन जाएगा आपका Fe2O3, इसको बच्चों बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। फेरिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब Fe3 पॉजिटिव वैलेंसी अपनी शो कर रहा है और ब्राउन कलर बनाएगा। क्या बनाएगा जी? ब्राउन कलर। और साथ में SO2 गैस रिलीज करेगा और साथ में SO3 रिलीज करेगा गैस।
तो एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही नॉर्मली, सुनते रहो बस बात को, कि कोई एक्स सब्सटेंस है जिसको टेस्ट ट्यूब में लेके, ग्रीन एक्स सब्सटेंस है जिसको टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करते हैं तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और दो गैसेस भी उसमें से निकलती है, तो ब्राउन कलर को वाई बोल दो, इसको एक्स बोल दो और एक्स वाई को फाइंड आउट करो, रिएक्शन लिखो और रिएक्शन के बारे में बताओ, रिएक्शन का नाम बताओ। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप बोलोगे कि एक्स कंपाउंड कौन है, एक्स कंपाउंड आपका फेरस सल्फेट है जो कि ग्रीन है, जब आप गर्म करोगे तो गर्म करके ब्राउन कलर का सॉलिड आपका इकट्ठा हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, जिसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, जिसको वाई बोला है आपने, और दो गैसेस को SO2 और SO3 बोलेंगे। तो इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। और रिएक्शन के जहां तक नाम है तो रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डीकम्पोजिशन में भी किसका टाइप है, थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी कि हीट की वजह से टूट रही है। आ जाते हैं बच्चों तीसरी में, तो तीसरी रिएक्शन है बच्चों PbNO3 2, इसको बच्चों व्हाइट सॉल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट सॉल्ट। क्यों बोलते हैं व्हाइट सॉल्ट, क्योंकि पानी में जब डिसॉल्व करेंगे तो पानी को व्हाइट कर देता है, क्लाउडी कर देता है, तब इसे व्हाइट सॉल्ट बोलते हैं। और मैं एक्वस फॉर्म ले रहा हूं क्योंकि पानी में डिसॉल्व है, तो पानी में डिसॉल्व है, पानी में डिसॉल्व है, जब मैं इसको तोड़ूंगा, चलो ऐसा करते हैं इसको पानी में डिसॉल्व ना करके इसको सॉलिड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसे तोड़ूंगा तो आपको पता है ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, कंपाउंड आपका टूट रहा है, तो जब ये कंपाउंड आपका टूटेगा तो ये बनाएगा PbO, ठीक है, ये बन जाएगा येलो कलर का, और साथ में NO2 गैस जो कि बनेगी ब्राउन कलर की, और साथ में O2 गैस, साथ में O2 गैस। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये रिएक्शन में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो ब्राउन, ये भी ब्राउन, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, ये सॉलिड है ब्राउन और ये क्या है, गैस ब्राउन है। तो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई एक्स है जिसको व्हाइट सॉल्ट बोलते हैं, वो आपका कुछ येलो कलर का वाई बना रहा है वाई, ठीक है, और कुछ ब्राउन गैस बना रहा है जेड, तो रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो, रिएक्शन को लिखो। तो आप बोलोगे जो व्हाइट सॉल्ट है वो PbNO3 है, जो जिसको आप एक्स बोलोगे, टूटने के बाद थर्मल डिकम्पोजिशन होने के बाद आपको PbO एज अ येलो मिलेगा जिसे आप वाई बोल रहे हो, और जो जेड गैस है जो कि ब्राउन कलर की गैस है वो कौन है, NO2 गैस है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों एक्स वाई जेड के फॉर्म में आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने हैं अरिहंत की बुक से, पीछे आप देखना तो काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाते हैं बच्चों चौथे रिएक्शन में, फोर्थ रिएक्शन में, कॉपर की। कॉपर बच्चों शाइनी ब्राउन होता है, कैसा होता है, शाइनी ब्राउन होता है। तो कॉपर शाइनी ब्राउन जो होता है, अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, अगर आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप करोगे, बर्न करोगे, तो इट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो आपका ये CuO बना देगा, इसको बोलते हैं बच्चों कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और ये बच्चों ब्लैक कलर का होता है, कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, और NCERT का है, NCERT का है, और क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि कोई एक्स सब्सटेंस है जो ब्राउन शाइनी है लेकिन ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने पर वो ब्लैक हो जाता है, उस एक्स का नाम बताओ और रिएक्शन लिखो। तो एक्स कौन है, एक्स आपका कॉपर है, और जुड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है। तो NCERT का क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना, पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बच्चों पांचवी रिएक्शन में, तो पांचवी रिएक्शन ये है कि कॉपर जो है बच्चों, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से भी जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ जाता है, कॉपर पानी से भी जुड़ जाता है बच्चों, पानी से भी जुड़ जाता है, और साथ ही साथ वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस से भी रिएक्शन करता है। तो ये कॉपर जो है इन सब से एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके एक लेयर बनाता है जिसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और एक ग्रीन लेयर का बच्चों नाम पूछा जाता है पेपर में, और इसकी जो ग्रीन लेयर है बेसिक कॉपर कार्बोनेट आपकी ग्रीन कलर की बनती है बच्चों, ग्रीन लेयर होती है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ये, इसका जो फॉर्मूला है वो ये आता है CuOH2 और साथ में CuCO3, तो इसे बोलते हैं बच्चों बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो क्लियर हो गया आपको, तो कभी कभी वन मार्क्स में बच्चों ये फॉर्मूले का नाम पूछ लेते हैं कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन लेयर होती है, कॉपर पे जम जाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखोगे Cu(OH)2 और CuCO3, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो बच्चों ये कुछ रिएक्शन है जो आपके पेपर में काफी आती है, है ना, तो इसलिए आपको ये अच्छे तरीके से करनी है। और हालांकि चैप्टर में पढ़ने के लिए तो बहुत है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, पर वो एज अ थ्योरिटिकल है। मेरा मोटिव ये है आपको इंपॉर्टेंट बताने का कि आप वो एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन में ना फंसो, एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन में, और ज्यादातर एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन इन्हीं रिएक्शन में से बनते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों और बनता है, सुनते रहो और लिखते भी रहो, नोट्स बनाते रहो। एक क्वेश्चन बच्चों यहां से ये भी बनता है कि जो तांबे के बर्तन होते हैं उन्हें लेमन जूस से टार्निश क्यों कराया जाता है, सफाई क्यों करी जाती है लेमन जूस से, क्योंकि लेमन जूस में होता है एसिड
और देखो ये कौन सी लेयर है, बेसिक। तो एसिड और बेसिक आपस में मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं तो उसका असर खत्म हो जाता है और आराम से लेमन जूस से आपका तांबे का बर्तन बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ग्रीन लेयर हट जाती है। तो क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों और क्वेश्चन का आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से, तो इसको नोट डाउन करो। ओके, कुछ और रिएक्शन पे बच्चों प्रोसीड करते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ 5 रिएक्शन होगी मुश्किल से और पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा 5 रिएक्शन में, ठीक है, जो एक्स वाई जेड वाली रिएक्शन होती है फिलहाल अभी उसके लिए। तो आपकी जो कुछ और रिएक्शन है बच्चों वो ये है कि एक रिएक्शन सिल्वर के लेकर चल लेते हैं, आपका जो सिल्वर होता है बच्चों ये भी पेपर में काफी बार आ चुका है, सिल्वर जो होता है बच्चों सिल्वर तो वो धीरे धीरे काला पड़ जाता है, तो वो काला क्यों पड़ता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है गैस जो होती है वो सिल्वर से जुड़ जाती है और AgS बना लेती है, क्या बना लेती है, AgS, और हाइड्रोजन गैस तो निकल जाती है बाहर, तो जो AgS बनता है बच्चों आपका वो आपका ब्लैक कलर का होता है, किसका होता है, ब्लैक कलर, जिसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड। तो आपका बच्चों ये जवाब होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। सेवंथ है बच्चों AgCl और एर्थ AgBr, तो आपसे पूछा जाता है ये कौन सी रिएक्शन है, तो बच्चों ये लाइट वाली रिएक्शन है जिसको फोटोलिसिस रिएक्शन बोलता है डीकम्पोजिशन की, और यहाँ पे Ag और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है और Ag आपको ग्रे ब्लैक मिलेगा बच्चों, ग्रे ब्लैक मिलेगा, और यहाँ पे आपको Ag सॉलिड मिलेगा वही ग्रे ब्लैक मिलेगा, और यहाँ पे ब्रोमीन गैस रेड ब्राउन गैस के निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, और इस रिएक्शन को फोटोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, और ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या होती है, इस्तेमाल होती है बच्चों। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नाइन्थ रिएक्शन जो है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे अभी येल्लो कलर का मैंने बताया था, पर यहाँ पे येल्लो कलर का पीपीटी बनता है, असल में यहाँ पे येल्लो कलर का क्या बनता है, पीपीटी। तो वो है बच्चों रिएक्शन के पीबीएनओ थ्री वाइट सॉल्ट। अब मैं एक्वासिलिक इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे आयन इन्वॉल्व करवाना है इसमें, और ये एक्वासिलिक में चलूंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, रिएक्शन का नाम बताओ, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों, और के की ऐड यहाँ पर करोगे, पीबी को ऐड यहाँ पे करोगे आई पर, और ये बन जाएगा आपका पीबीआई टू, और सॉरी ये आपका सॉलिड बनेगा, पीपीटी बनेगा, ये आपका नीचे बैठेगा बच्चों, और ये येल्लो पीपीटी बनेगा। सीबीएसई के पेपर में बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई के पेपर में हद से ज्यादा बार कि एक ऐसी आयनिक रिएक्शन है जिसमें येलो पीपीटी बनता है उस रिएक्शन को लिखिए, तो ये बच्चों वो रिएक्शन जिसमें व्हाइट सॉल्ट और KI आपस में मिलकर येलो पीपीटी बनाते हैं नीचे, तो क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गई। तो बच्चों ये कुछ रिएक्शन है, और भी काफी रिएक्शन है, दसवीं रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, CaOH2, इसको बोलते हैं बच्चों स्क्लेड लाइन, या तो लाइम वाटर भी बोलते हैं, स्क्लेड लाइन बोल लो, लाइम वाटर बोल लो, तो जो जो बोल रहा हूं वो नीचे लिखते भी रहना, ठीक है। तो अगर CO2 में पास कराओगे बच्चों तो क्या बनेगा, तो CO2 जब स्क्लेड लाइन में पास कराओगे तो आपका CaCO3 बनेगा सॉलिड में, और आपकी H2O यानी कि पानी निकल जाएगा बच्चों बाहर, तो ये आपकी मिल्कीनेस देने का काम करता है, यानी कि सॉल्यूशन को क्लाउडी बना देगा बच्चों, सॉल्यूशन को क्या बना देगा, क्लाउडी बना देगा। और यूके बोर्ड में CaCO3 का नाम पूछा जाता है, तो बता देना बच्चों CaCO3 का नाम मार्बल, क्या बता देना, मार्बल, तो CaCO3 का या तो नाम पूछ लेंगे मार्बल, या तो पूछ लेंगे मार्बल का फॉर्मूला, तो बता देना CaCO3 होता है, ठीक है। लेकिन फर्दर मैं इसकी एक और चीज करवाता हूँ, देखो बच्चों अभी तो मिल्कीनेस आ गई, लेकिन अगर आप CO2 लगातार देते ही रहो, CO2 इसमें दे रहे हो तो ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन लगातार आप CO2 देते जा रहे हो, प्रोडक्ट में आप CO2 देते जा रहे हो, प्रोडक्ट बन चुका है पर आप CO2 देते चले जा रहे हो, तो लगातार जब आप CO2 देते चले जाओगे तो CaCO3 जो आपका ये बन चुका है बच्चों, CaCO3 जो आपका ये बन चुका है विद वाटर, इसमें अगर आप लगातार CO2 देते हुए चल रहे हो तो ये बना देगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ये मिल्कीनेस को डिसअपियर कर देगा, ये मिल्कीनेस को दोबारा क्या कर देगा, डिसअपियर्स कर देगा, यानी कि मिल्कीनेस को दोबारा से हटा देगा। तो बच्चों ये कुछ रिएक्शन है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि CO2 जब लाइम वाटर में पास कराते हैं तो मिल्कीनेस आ जाती है, लेकिन अगर लगातार पास कराते हैं तो मिल्कीनेस क्यों गायब हो जाती है, तो आपका जवाब होगा अगर आप लगातार पास कराते जाओगे तो लगातार पास कराने पर प्रोडक्ट दोबारा से एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो मिल्की नेस को दोबारा से हटा के डिसअपीयर कर देगा, सॉल्यूशन को दोबारा से कलरलेस कर देगा। तो मुझे लगता है आपको बच्चों आइडिया लग गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही आइडिया वाली उसके साथ। मेहनत आपको भी करनी है, अरिहंत लो, असवाल लो, नोट्स कहीं से भी लो, नेट से नोट्स ले लो, ठीक है, और एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन में इन सारी चीजों को लगा के देखो, आपके अब 100% क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप ये 10 या 11 मिनट की वीडियो देख लोगे। ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, 10 या 11 मिनट सुनो अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो और फिर अपना एफर्ट लगाकर एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करिए अब, ठीक है। नहीं होंगे तो मैं आपका साथ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हो, और होमवर्क भी जो मैं ये देके जा रहा हूँ वो कर सकते हो आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।